हेलो एवरीवन आज की वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि वायरस वॉम्स एंड ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है मोस्टली यूजर्स को लगता है कि तीनों एक ही चीज़ हैं और एक ही तरह से काम करते हैं बट इनके नाम अलग हैं बस लेकिन ऐसा नहीं होता इट इज़ ट्रू दैट ऑल थ्री आर अ टाइप ऑफ वायरस और वी कैन से दैट दे आर अ पीस ऑफ मलिशियस कोड बट द वर्किंग ऑफ ऑल थ्री इज डिफरेंट एंड वी विल सी हाउ दे वर्क्स So first virus worms and trojan horses are malicious codes or programs are malicious codes or programs that cause a damage to your system that cause a damage to the system so these are the मलिशियस कोड्स और प्रोग्राम्स डेट कॉज सर्टन डैमेज टू आवर सिस्टम नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ वायरस वायरस क्या होता है वायरस इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड दैट अटैचिज इट्सल्फ टू अजिटिमेट प्रोग्राम कोड और एन एप्लीकेशन एंड रनस वेन एवर द एप्लीकेशन रन्स सो वायरस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोग्राम Or code that attaches itself to the application and <laughs> runs whenever that application runs. सो इट इज़ अ प्रोग्राम और कोड दैट अटैचिज इट सेल्फ़ टू द एप्लीकेशन एंड रन वैन एवर द एप्लीकेशन अब देखिए वाम भी यही करता है वाम भी एक प्रोग्राम या कोड होता है जो अटैच होता है किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ एंड सिमिलरली ट्रोजन होर्स बट क्या होता है कि वायरस वाम्स और ट्रोजन होर्स की जो फंक्शनैलिटी है उसमें कुछ डिफरेंस होता है वायरसेस आर इंटेंस टू मॉडिफाई द प्रोग्राम फंक्शनैलिटी टू मॉडिफाई दोग्राम फंक्शन एलिटी वायरस का जो मेन पर्पज है वो है कि जो प्रोग्राम जिसके साथ वो अटैच हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर दे फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ वायरस इन यूर सिस्टम दैट ओपन्स विद द मीडिया प्लेयर आपने जैसे ही मीडिया प्लेयर को ओपन किया आपका वायरस भी रन कर गया और उस वायरस ने आपकी सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया सो दैट इज द एक्शन दैट कम्स अंडर वायरस क्योंकि मीडिया प्लेयर की जो फंक्शनैलिटी है दैट इज टू प्ले मीडिया फाइल्स बट नाउ अ वायरस इज अटैच टू दैट मीडिया प्लेयर एंड मीडिया प्लेयर इज नाउ डिलीटिंग योर फाइल्स सो दैट कम्स अंडर वायरस तो इसमें आप एक एग्जाम्पल ऐसे सिंपल सा लिख सकते हैं फाइल्स डिलीशन ऑन लॉन्चिंग आ मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सो दिस इज वन बेसिक डेफिनेशन ऑफ वायरस फंक्शनैलिटी ऑफ वायरस एंड अ सिंपल एग्जांपल ऑफ वायरस नाउ वी विल कवर वायरस इन डिटेल वी विल कवर वायरस इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो वेर आई विल Discuss about the different life cycle of virus that is dormant phase, propagation phase, triggering phase, and execution phase. And also, I will discuss about different types of viruses like parasitic, memory resident, boot sector, polymorphic, and metamorphic virus. But this video lecture is basically intended to differentiate between virus forms and trojan horse. So I am keeping that in mind and giving you the only basic functionality. So virus is the program or code that attaches itself to the application runs whenever the application runs and it is intended to modify the program functionality. Now what are worms? Worms is just like a virus is just like a virus. But the implementation is different. Virus modifies a program worm however does not modify the program. Worm does not modify the प्रोग्राम अब अगर मॉडिफाई नहीं करता तो क्या करता है वॉम वॉम रेप्लीकेट्स इट्स सेल्फ वॉम रेप्लीकेट्स इट्स सेल्फ मैनी टाइम्स वॉम रेप्लीकेट्स इट्स सेल्फ मैनी टाइम्स एंड द रेप्लीकेशन इज सच डेट इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ योर कंप्यूटर रिसोर्सिस सो दॉर्म का जो मेन काम है टू कंज्यूम कंज्यूम लॉर्ड्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सिस विच मेक्स योर सिस्टम वर्क स्लो तो वॉम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता बट वो रेप्लीकेट करता है जिससे आपका जो रिसोर्सेज हैं वो वॉर्म यूटिलाइज करें और आपका सिस्टम अल्टीमेटली स्लो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स इज ऑल्सो लाइक अ वायरस इट इज अ पीस ऑफ कोड बट द फंक्शनलिटी ऑफ ट्रोजन हॉर्स इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज एंड वॉम्स ट्रोजन हॉर्स डज नॉट मॉडिफाई द प्रोग्राम सबसे पहली बार ट्रोजन हॉर्स भी प्रोग्राम को मॉडिफाई नहीं करता एंड ऑल्सो डोंट रेप्लीकेट इट्सेल्फ रेप्लीकेट भी नहीं करता जस्ट लाइक वॉर्म्स तो ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब है इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड विच इज इंटेंटेड टू लीक योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू लीक यूर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो एक ये हिडन पीस ऑफ कोड है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है अब देखिए इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज आपने एक किसी सिस्टम के ऊपर आपने लॉग इन करने की कोशिश करी तो आपको एक लॉग इन पेज दिखेगा यू विल एंटर योर यूज़र आई डी एंड पासवर्ड और सपोज़ आपका जो ब्राउज़र है उसके साथ एक ट्रोजन होर्स अटैच है ट्रोजन हॉर्स क्या कर रहा है सिंपली ट्रोजन हॉर्स इज सिंपली रिकॉर्डिंग द रिकॉर्डिंग द कीज यू आर टाइपिंग वो आपकी कीज को रिकॉर्ड कर रहा है जो आप टाइप कर रहे हो अब जैसे ही आप यूजर आईडी इन पासवर्ड यहां पे एंटर करेंगे दैट ट्रोजन होर्स रिकॉर्ड्स दिस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन and send this information to the hackers hackers or malicious users which they can use later to access your account so trojan horses are like a piece of code or hidden code which is attached to the software and reveals your confidential information so these are about basic differences between virus worms and trojan horses you can note them. Most of the times, the question comes in the exam about the difference between virus worms and Trojan horse. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on network security and other computer sensitivity subjects. Thank you.